शी और पॉम्पेडी बिल्कुल हमारे साथ और हम ये स्वागत यहाँ पे करेंगे, अभिवादन करेंगे इन दोनों का, ढेरों शुभकामनाएं जोड़ते हुए, ढेरों प्यार जोड़ते हुए। भाई सबसे पहल आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा ना कि ये मंच जहां अभी तक ये संगीतमय था, यहां हर चीजों को जोड़ने का, मतलब इस बार शुभकामनाएं जोड़ने का तरीका हम चेंज करने वाले हैं। एक बार तालियां हो जाए जोरदार वाली सबों की तरफ से, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि आप हल्ला अच्छा करते हैं तो तालियां छोड़ते हैं, एक बार हल्ला हो जाए वैसा ही जोर वाला। थैंक यू सबों को। और शशि भाई बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मैम आपको भी ढेरों बधाइयां। अच्छा आप दोनों को आइडिया है मैंने आप दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं आइडिया है? अच्छा आप लोगों को आइडिया है, हाँ या ना है? देखिए जब सारी चीजें म्यूजिकल हो रही थी ना, तो मैम मैंने ऐसा सोचा कि एक एक दो दो लाइन आपके आप दोनों की तरफ से भी हो जाए, होना चाहिए। अरे होना चाहिए, हाँ या ना, खुश तो बोलिए। अच्छा क्या करें, लेडीज फर्स्ट करें या जेंट्स फर्स्ट करें? अच्छा लेडीज फर्स्ट या जेंट्स फर्स्ट? ओके ऐसा करते हैं ना मैम, जो सदियों से चलती आ रही परंपरा लेडीज फर्स्ट वही करते हैं हम। एक और माइक था यहां तो हेलो जी मैम, कुछ भी जो आपको दिल करे। अच्छा पहले माइक तो पकड़ लें और माइक में ही मना। अच्छा आप नहीं कर सकते, पहले ये पकड़ तो लें आप, अब ऐसे सामने की तरफ बस। अच्छा मैम का कहना है इनको गाना नहीं आता है, क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए? माफ करने के मूड में कोई नहीं है मैम। अच्छा कुछ भी, मैं आपके सपोर्ट के लिए ऐसा करता हूं कि सुमन जी को बुला लेता हूं। सुमन जी आप आ जाइए, ये बस आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है? लेकिन हमको नहीं आता है। आपको थोड़ा सा तो उनके साथ सपोर्ट में कुछ करते क्या? सुमन है, एक लाइन कम से कम। अच्छा आप दोनों ये सपोर्ट है, मैं सुमन आप नहीं, इनको माइक मत दीजिए, आप इनको गाना बता दीजिए कि एक लाइन ये कौन सा गाए। एक लाइन, अच्छा चलिए। अच्छा आप ना आप इनको बता दें या फिर मैं तो बताने के लिए हूं ही यहां पर। अच्छा मैम का कहना है इनकी आवाज अच्छी नहीं है, आप जैसे हंस रही है ना वैसे केवल हंस के सुना दे आप माइक में, उतना काफी है। और यहाँ पे नहीं हो पाएगा, चलिए इनको माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, नहीं हो पा रहा छोड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे ना, अब इनका कसर निकालेंगे इधर से हम, और इतना ही खुशी। और शशि भाई आप इस उम्मीद में मत रहिएगा ना कि मैं आपके सपोर्ट के लिए नितेश को बुलाऊंगा, नहीं ये इसको इससे। अच्छा ऐसा कीजिए इधर आइए आप, मैम आप भी देखिए दो लेडीज मिल गए, और इधर आइए ना थोड़ा आगे आइए सर। अच्छा आप ऐसा कीजिए ना, फोन अभी फिलहाल मेरे को दीजिए, और इधर 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 अरे गाना तो होगा, आज तो छोड़ने वाले नहीं हम लोग। लेकिन ना गाना अब ऐसे नहीं गाना है आपको, का हो गया ये? अच्छा नहीं एखन ईसन का रेखा है शशि भाई,
नीतेश तो नीचे जा जी। जेके देखा उग्रे से पूछे लायक है, नीचे जा एकदम। शशि भाई अब फ्री हैं आप, इधर आइए। अच्छा चलिए, आप ऐसा कीजिए ना, गाना नहीं गाइएगा, मैडम के लिए दो शब्द बोल सकते हैं। अच्छा ये वाला भी आप बोलिएगा कि नीतेश से बोलवा दें। दो शब्द एकदम रोमांटिक वाला बैकग्राउंड, रोमांटिक वाला बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही मन एखने से शुरू हो गया लड़ाई। अच्छा इनका एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शशि भाई का कहना है ना कि उधर से नीतेश गाएंगे और इनके लिए सुमन गाएंगे, और ये दोनों ना, नहीं 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 नहीं, पहले मेरा तो बात सुन लीजिए, मेरा बात पहले सुन लीजिए। इनके लिए नीतेश गाएंगे और आपके लिए ना सुमन गाएंगी। अब इन दोनों को क्या करना है, कुछ काम बचा नहीं, तो अब आप लोगों को ना वैसे एक्ट करना है जैसे वीडियो में हीरो और हीरोइन करता है। नीतेश आ जाओ मामा अभी। तो अब मेरे हीरो इधर से शशि भाई, मैम हमारी मम्मी जी, और ना वीडियो देखते हैं ना हम लोग। अब इधर मैम, अगर आपको कोई एक एग्जांपल देना हो, शाहरुख सलमान आमिर कुछ कहना हो, तो शशि भाई को आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। आज तो नहीं, रिकॉर्डिंग करते रह बढ़िया से। हाँ शशि शशि है तो शशि भाई, मैं बस इसलिए पूछ रहा था ना, जैसे कि शाहरुख की बात होती तो थोड़ा वैसा गाना होता, सलमान की बात होती तो मैं आपका कोट और शर्ट खुलवाता, अगर मतलब इसलिए बस। लेकिन आप शशि तो शशि है तो फिर वैसा ही करते हैं हम। तो चलिए नीतेश आप शशि के लिए, सुमन आप मम्मी के लिए, और आप दोनों ना अब वैसे सामने रोमांटिक स्टाइल में, तो वैसा ही गाना है। हेलो अच्छा यहाँ पे कोई कुछ नहीं मान रहा है, कैसे मानेगा? आप नहीं, नहीं पहले नहीं। नीतेश इधर आइए आप, तो इके छोड़ नहीं हूने देखते हैं ही नहीं। केवल आप ऐसा कीजिए ना, दो लाइन आप केवल गुनगुनाइए कोर्ट पे, ठीक है? बाकी आप ऐसा कीजिएगा, कुछ नहीं करना है अब आपको। अब मैम का हाथ पकड़िए अब आप। अब नीतेश जैसे शुरू होते हैं ना, अब भी शुरू हो जाइए, फिर सबकी छुट्टी कर देंगे हम लोग, ठीक है? पकड़िए एस शार्प मेजर, पियानो पकड़िए एस शार्प मेजर, एस शार्प मेजर पियानो से। प्यार से होना चाहिए, इन लोग का एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग। शशि फोकस फोकस। अरे उतने गरिया रे, अरे गुस्सा न करो सनम बाहों में आरे, प्यार का नशा लव का नशा जब से चढ़ा लग मोरे दिल तोर से प्यार हो गेला, तोर से लाभ हो गेला, तोर से प्यार हो गेला, तोर से लाभ
बहुत थैंक यू। अच्छा हम लोग ना ऐसा नहीं सोच रहे थे कि आप दोनों को परेशान करें, बस इंटरटेनमेंट के लिए। और शशि भाई ये सारा गेम प्लान नितेश का है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए और इन दोनों को, इस खूबसूरत से जोड़े को मंच में जोड़ रखते हैं। अभी ऐसा करते हैं कि सुमन और नितेश का कोई भी गाना आप लोग हल्का फुल्का झूमिए और फिर अपने मेहमानों के साथ आप रहिए, ठीक है? तो चलिए इधर। मैडम मैडम इधर, मैडम कुछ कह रही थी आप। अच्छा अच्छा, बड़ी देरी से मैडम कर जे खुशी रहे नहीं, अखन मौके पता चलक। मैडम कर कहे कह नहीं कि मैं चाहती हूं कि इन सबों के सामने शशि मुझे प्रपोज करे, है ना? शशि भाई अब इसमें किसी का गेम नहीं है, ना नितेश का ना मेरा। नितेश ये अच्छा, एक एक गुलाब तो चाहिए। देखा रे ककरो मुड़ी से नोचा। ए मैया अच्छा गुलाब फूल है देखे यहाँ है। मैया तोर गुलाब फूल के देवे। मैया दे दे, चाचा कर सेटिंग खराब होवे लगी है। अच्छा ये हाँ, थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? शाइना बेटा, थैंक यू आपको। ये गुलाब थोड़ा छोटा है, आपको एडजस्ट करना होगा। और मैम का ये चाहती हैं, इनके लिए आज ये गिफ्ट है कि आप इनको सबके सामने प्रपोज करें, और ये प्रपोज थोड़ा फिल्मी होना चाहिए ना, ऐसे नॉर्मल वाला नहीं, फिल्मी मतलब जैसे ऐसे कदम पे झुक के। और मैडम आपको रिप्लाई भी करना है, ठीक है उसका। शशि भाई ये जो प्रपोज करें आपको रिप्लाई करना है, एक माइक आपके पास भी होना चाहिए। I love you. I love you more. Proper bolo. For me, I love you. ओहो भाई, मार्च का ये महीना फिर से यादें ताजा हो गई वैलेंटाइन वीक वाली। अच्छा देखिए, अब आपको पूरी आजादी है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ी देर अगर आप डांस कर ले, थिरक ले, और अगर आपको आजादी है, अगर आपको मेहमानों के साथ बिजी होना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा चाह रहे थे कि अगर आप थोड़ी देर, थोड़ा पल यहां पे और रुके तो मजा आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, दूल्हे राजा के साथ, दुल्हनिया रानी के साथ मैं अपने कार्यक्रम का आखिर वाला सेगमेंट शुरू करता हूं, रिमिक्स वाला ये राउंड। और मैं आवाज लगाऊंगा पवन रॉय को, आवाज लगाऊंगा मैं नितेश कच्छप को, आवाज लगाऊंगा सुमन को, और आवाज लगाऊंगा मैं सोनू को।